ठीक है, जो नहीं भी है वो भी आप बोल दो कि ये होना चाहिए। उसके बाद एम्बू बैग हो गया, बल्ब सकर हो गया, शीट्स हो गई, बेबी अभी नहीं आया, ठीक है। स्टेथोस्कोप आपके पास हो गई, मैरिंग टेप हटा दें इसकी जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें नहीं है उनका बता दो, कौन कौन सी होनी चाहिए। कैप होनी चाहिए, रिससिटेशन में आपके पास ड्रग्स होनी चाहिए, एम्बिलिकल कैथेटर होना चाहिए, एम्बू बैग का मास्क होना चाहिए और सैचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आप रिसस करो, ये बेबी हमारे पास आ गया। फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ऑलवेज हैव द हेड ऑफ द बेबी टुवर्ड्स यू, ऑलवेज, इवन व्हेन यू आर एग्जामिनिंग द पेशेंट यू शुड स्टैंड एट द हेड साइड ऑफ द पेशेंट। गो नाउ, ओके फाइन, यू आर गोइंग टू ड्राई इट। देयर इज अ ओवरहेड रिससिटेटर वार्मर जो बेबी को वार्म कर रहा है। नाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, फाइन गुड, हेड कैप पहनाई, स्टिमुलेट किया, वेरी गुड। नाउ ठीक है, ओके फाइन, बेबी ट्राई कर गया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो ओके फाइन। ये आपने इसकी एयर वे क्लियर कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट ठीक है, नोज भी कर दिया, फर्स्ट माउथ देन नोज, ऑलवेज। अब जो इसका वो हार्ट रेट चेक करेंगे कि 100 आपने इस वक्त पे ना, आपने एक एपगार्ड देख लेना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली एपगार्ड देखने के लिए टाइम नहीं लेते, एपगार्ड देख लिया जब आपने क्लेम किया, उस पर आपने एक्ट करना है, ठीक है। हार्ट रेट चेस्ट देख, चेस्ट से सुनो, हार्ट रेट इज बिलो 100। उसके बाद हुआ ये यू आर नॉट गोइंग टू स्क्वीज ऑल द एम्बू बैग, एम्बू बैग को हाँ लाइक दिस, उसको होल्ड आप ऐसे करो, हाँ करो, 1 2 3 1 into 1000 कर लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू 1 in 1000, 1 in 2000, 3000, 4000, 5000. नाउ लिसन द चेस्ट अगेन, ओके, देन अगेन 5 इन्फ्लेशमेंट्स यू कैन गिव, यस 5 दोबारा दे, ओके फाइन। नाउ एम्बू को इस तरह कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको ये 2 fingers इस साइड पर, 1 thumb इस साइड, ओके हो गया। अभी भी हाँ दोबारा चेक करें, बहुत कम हो गया, 16 लोग हो गए मैम। अब एक और चाहिए होगी हेल्प, दोबारा करें, 1 2 3 अब आप करें, 1 2 3 अब आप करो, 1 2 3 अब आप करो, करते जाओ ना, 30 seconds, हाँ ये बोला था 30 seconds, then you will again check it out, 45 होंगे, दोबारा सुने, then you will get, ये जो सुन के 60 से काम जो है ये एक्सपीरियंस है, मुझे फील होगा कि क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए लगा रहे हैं, कितने टाइम के हम कितने सारे 10 सेकंड तक क्या हार्ट रेट सुने, हार्ट रेट, हां वो तो आपको एक्सपीरियंस है, वो ना इतना टैकीकार्डिया आपको पता लग जाता है, ठीक है, लेकिन आप स्पेसिफिकली गिन नहीं सकते हो, वो एक्सपीरियंस है, वो पता लग जाता है,
प्रैडिकार्डिया होगा ना तो आवाज ऐसे आएगी, आराम से आएगी, ठीक है, पता लगेगा। जैसे सुई हिलती है ना वन वन करके, तो वो कितने वन मिनट में 60 आती है वो जब हिलती है, तो अगर 60 है तो इसके अलार्म, ठीक है। अगर आपको नहीं ऐसा पता लग रहा तो तेज से चल रहा है तो उसमें ज़्यादा है, और वो आपको एक्सपीरियंस से आइडिया हो जाता है, और नहीं है तो नहीं है। अभी नफरिन दोगे आप, बाकी एम्ब्लाइकल वो पास करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आई क्लियर हम एम्ब्लाइकल कैथेटर डालते हैं, कैथेटर भी वो हमारा टॉपिक ही डिफरेंट हो जाएगा, ईटीटी पास करना भी टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर बेबी एक आता है तो यू कैन डू रीसस्टिटेट, ठीक है। फिर आप उतनी देर में तो एक्सपीरियंस चैनल को बुला लोगे ना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एयर वे, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज सर्कुलेशन एंड इम्पोर्टेंट। एक इसको यूँ रखो, ठीक हो गया। दूसरा एम्बू की पोजीशन यही रखो, ये इसमें काम खराब होगा, ठीक हो गया। हेड ये यू कर लो, ये जनरेट होगी। अब ये जो बनाया है ना, इसको इतना अच्छा सील होना चाहिए, ये सील होगा तो ये ये सील जो है ना, इज ये इम्पोर्टेंट, ठीक है।